आगरा मर श्री झूलेलाल मंदिर जयपुर हाउस पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत आज छठवें दिन फूलों की होली खेली गई। कथावाचक श्री श्री राम मुद्गल द्वारा अपने मुखार विंध से श्री कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन किया। जादूगर तेरी मुरली ने कमाल कर दिया भजन पर श्रोताओं ने जमकर नृत्य किया। समाज सेवी हेमंत भोजवानी ने बताया कि कल कथा का विश्राम दिवस है, उसके बाद भंडारा होगा। भट्टीजा परिवार, बनवारी परिवार, लालवानी परिवार, सचदेव परिवार, वासवानी परिवार की विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर समाज सेवी श्याम भोजवानी ने कथावाचक श्री श्री राम मुद्गल का शॉल पहनाकर स्वागत किया। जी, हमें तो ऐसे लगता है कि हमने पहले ये कथा वृंदावन में कराने की सोची थी, लेकिन बांके बिहारी को हमारे यहाँ आगरा आना था और आगरा आकर उन्होंने इस आगरा के पावन धाम झूलेलाल धाम को ही वृंदावन धाम बना दिया। वृंदावन से पधारे राम मुद्गल शास्त्री थे, जिस तरीके का यहाँ अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं सिंधी समाज के जय झूलेलाल भवन पे, आज छठवें दिन की कथा का रास जिस तरीके से उन्होंने कथावाचक जी ने कथा का सार सुनाया है और मंत्रमुग्ध होकर ओतप्रोत होकर जिस तरीके से यहाँ के श्रद्धालु झूम रहे, नाच रहे, गा रहे, एक अद्भुत दृश्य है। और सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि परिवार की बेटियों ने अपने माता पिताओं के जो संकल्प लिया था उसको आज पूरा करने का काम किया है। ये पाठ्यक्रमों में, पुस्तकों में पढ़ाई जानी चाहिए, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जानी चाहिए, वो इस समय बंद हो गया है। तो श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा के माध्यम से जो आयोजक है, जो श्री राम कथा होती है या श्रीमद् भागवत कथा होती है, उसके माध्यम से नई जनरेशन को ये मालूम पड़ता है कि देश की सभ्यता क्या है, हमारे भारतीय संस्कृति क्या है, हमारे महापुरुष कौन थे, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। तो इसी कड़ी में आज बनवारी परिवार, बाकीजा परिवार और लालवानी परिवार के सानिध्य में श्री राम झूलेलाल भवन पर जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।